तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड करके दिखाने वाला हूँ, एकदम सिंपल और इजी वे में। फ्रेंड्स, मैं आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट रहता है उस पे उसके ज़रिए मैं आपको ऑनलाइन बिल पेड करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, और मैं एमपी स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जो एमपी ऑनलाइन वेबसाइट है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करने का, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। तो आप देख सकते हो portal.mpcg.in वेबसाइट है। तो इस पे आने के बाद फ्रेंड्स, आपको जाना है एलटी सर्विसेज में। एलटी सर्विसेज में जाने के बाद अभी इधर देखोगे आप व्यू एंड पे बिल्स, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको इधर ऑप्शन मिल जाता है व्यू एंड पे बिल्स, उस पर क्लिक करना है वापस। तो चलिए क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो थोड़ा कभी कभी टाइम लग जाता है लोडिंग होने में। ओके ना फ्रेंड्स, लोडिंग होने के बाद आपको देख सकते हो अभी ये है ऑनलाइन बिल पेमेंट वेबसाइट। तो अभी हमें चूज़ आइडेंटिफायर, तो किस टाइप से मतलब आप देख सकते हो। तो पहला ऑप्शन है IVRS नंबर रूरल एरिया के लिए, ये अर्बन एरिया के लिए, अकाउंट आईडी, मोबाइल नंबर सबके लिए, और फ्लैट रेट एग्रीकल्चर। तो मैं जो करने वाला हूँ बिल वो है फ्लैट रेट एग्रीकल्चर बिल, यानी जो फार्मिंग के लिए यूज होने वाला इलेक्ट्रिसिटी विद्युत पावर है उसका बिल पेड करने वाला हूँ। उसके बाद आपको इधर IVRS नंबर डालना है, यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। तो नंबर डालने के बाद फ्रेंड्स, सिंपल आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको इधर पूरा इन्फॉर्मेशन दिख जाता है। ये रहा कस्टमर आईडी, और एक नेम आ जाता है जिसके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल है। और उसके बाद बिल डेट आ जाता है जो कि 22 अप्रैल 2021, और बिल मंथ आ जाता है जो कि अप्रैल मंथ का बिल। और बिल ड्यू डेट देखोगे, ड्यू डेट तो ड्यू डेट था 22 अप्रैल, बट अभी मैं तो मेरा ड्यू डेट निकल गया, बट मैं अभी पेड कर रहा हूँ तो कुछ नहीं चल जाता है। और बिल का अमाउंट देखोगे तो जो है 1876 रुपये, 1,860.76 रुपीज़। और अगर आप व्यू बिल पे करते हो तो ये PDF भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो। और उसके बाद फ्रेंड्स, जो मोबाइल नंबर है तो हमारा इधर, आप इस मोबाइल नंबर को एडिट भी कर सकते हो। तो जिस भी मोबाइल नंबर पे आप OTP, सॉरी जो पेमेंट रिसिप्ट रहता है वो लेना चाहो तो आप वो नंबर डाल सकते हो, बट हमारा ऑलरेडी नंबर लिंक है तो वही नंबर रहने देता हूँ मैं। तो उस पर बाद में एक पेमेंट रिसिप्ट SMS में आ जाएगा। उसके बाद सिंपल सेकंड ऑप्शन है ईमेल आईडी, तो जो भी आप ईमेल आईडी डालोगे उस पर भी एक एज ए PDF प्रूफ आ जाएगा हमारे पास पेमेंट रिसिप्ट का। तो चलिए मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद इधर पूछता है फ्रेंड्स कि आपको IVRS अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक करना है, तो अगर आपको लिंक करना है तो टिक कर देना है, वरना सिंपल अगर पहले से ऑलरेडी लिंक है मोबाइल नंबर तो अनटिक ही रहने देना है आपको। और उसके बाद आपको पेमेंट मोड चूज़ करना है, तो दो ऑप्शन रहता है, एक तो बिल्डेक्स का रहता है और दूसरा पहला है पेटीएम का। तो आप अपने हिसाब से अगर पेटीएम से करना चाहते हो तो पेटीएम से भी कर सकते हो, वरना मैं बिल्डेक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे बिल्डेक्स सेलेक्ट करते हो फ्रेंड्स, तो अभी हमें सिंपल पे नाउ पे क्लिक करना है। और थोड़ा फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। तो जो काम की इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, अगर आप डेबिट कार्ड रुपए कार्ड से बिल पेड करते हो तो आपको 0 चार्जेस लगेगा, और UPI से भी करते हो तो भी आपको 0 चार्जेस लगेगा। और बाकी अदर्स जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, वीसा मास्टर कार्ड जो भी है, और डेबिट कार्ड हो गया जैसे वीसा मास्टर कार्ड, तो इन पे 0.4% का चार्जेस लगता है। और ये देख सकते हो इतने चार्जेस का आपको पेनल्टी वगैरह चार्जेस लग जाता है। तो इससे अच्छा आप UPI से कर सकते हो, नहीं तो सिंपल डेबिट कार्ड रुपए कार्ड से कर सकते हो। तो चलिए मैं UPI से करने वाला हूँ। तो सिंपल अभी पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे पे नाउ पे क्लिक करते हो फ्रेंड्स, तो अभी आपसे एक बिल पेमेंट का नोटिफिकेशन आता है कि अगर ट्रांजेक्शन कुछ कारण की वजह से फेल्ड हो जाता है तो उसके बाद आप फिर से ट्राई कर सकते हो 5 मिनट के बाद। तो ओके कर देना इस पर। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट वेबसाइट पे। तो भी आप इधर ऑप्शन देख सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड्स और UPI। तो मैं UPI से करके दिखाने वाला हूँ। तो सिंपल मैं अपना UPI एड्रेस इधर, आपको जो भी
यूपीआई से कर रहे हो पेमेंट, अब वो यूपीआई डाल देना है। जैसे फ़ोनपे का डालोगे तो फ़ोनपे पे रिक्वेस्ट आएगा, अमेजन का डालोगे तो अमेजन पे, गूगल पे का आएगा। तो जो भी जिस पे भी आप डालोगे उसका सिंपल आपको इधर वर्चुअल आईडी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डाल देना है, यानी अपना यूपीआई आईडी। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैंने अपना यूपीआई आईडी डाल दिया है अमेजन का। तो सिंपल अभी क्लिक करना है हमें मैक पेमेंट पे। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम क्लिक करते हैं तो अभी नोटिफिकेशन देखते हो, कंप्लीट योर पेमेंट विथ इन, यानी इतने टाइम में अपना पेमेंट सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। तो ओपन योर, जो भी हमने जिसका यूपीआई दिया है उस पर रिक्वेस्ट आया है। तो चलिए मैं कर देता हूँ। तो मुझे अमेजन पे पे रिक्वेस्ट आ गई है। तो रिक्वेस्ट आने के बाद मैं सिंपल पे पे क्लिक करके पे कर देता हूँ। तो अब देख सकते हो इतने टाइम में हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं कर देता हूँ पेमेंट इधर से, फ़ोनपे से, सॉरी अपना अमेजन पे से, क्योंकि मैंने अमेजन पे का यूपीआई आईडी डाला हुआ था। ओके फ्रेंड्स, मैंने पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो गया है और मैसेज भी आ गया मुझे पेमेंट डिडक्ट होने का। तो आप देख सकते हो पेमेंट सक्सेस हो गया, ये हमारा पेमेंट रिसिप्ट आ गया। इसको हमें प्रिंट कर लेना है इधर से और सिंपल क्लोज विंडो कर देना है। तो इसका मैं एक स्क्रीनशॉट भी रख लेता हूँ और उसके बाद सिंपल प्रिंट स्क्रीन रिसिप्ट पे करके आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो बस फ्रेंड्स, यही था एक सिंपल सा प्रोसेस। और इस पर क्या रहता है फ्रेंड्स, हमारे पास रिसिप्ट आ जाता है एज ए प्रूफ, तो हमें टेंशन भी नहीं आता है। बाद में हम प्रूफ भी दिखा सकते हैं कि हमने ऑनलाइन पेमेंट पेड, ऑनलाइन बिल पेड कर दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।